पागलपंती जिसे डायरेक्ट किया है अनीस बाजपी ने, जो इसके अंदर कास्ट है जॉन इब्राहिम, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला, उर्वशी रुटेला, इलियाना डी क्रूज, कृति खरबंदा, सांसे फूल गई नाम लेते लेते, इतना बड़ा स्टार कास्ट है इसका। ओके, जो स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, देखो कुछ एक टाइम पहले मैंने सोचा यार जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना, तो साथ ही साथ एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं अपने रिव्यू को, रिव्यू को नहीं, इस चैनल को थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, तो कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो सोचा कि एक ही मैं बंदा हूँगा जो रोल करूँगा, अलग अलग करेक्टर को जो प्ले करूँगा, तो ऐसा कुछ सोचा और कुछ स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया मैं। तो यकीन मानो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, काफ़ी टाइम से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ दो तीन लाइनों से आगे नहीं बढ़ पाया, और फिर सोचा कि कैसे रिप्रेजेंट करूँगा अपने आप को, कैसे ये चीज़ें, तो इतना ज़्यादा मुझे दिमाग लगाना पड़ा कि एक कॉमेडी सी, एक छोटी सी 1 या 2 मिनट की एक क्लिप मैं बना पाऊँ, ताकि लोगों के चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कान आ पाए। तो ये जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रही थी। चलो कोई ना, आने वाले टाइम में देखते हैं हो पाती या नहीं होती, वो अलग बात है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ कि मैं ये बात क्यों बोली। देखो जो पागलपंती जो मूवी है ना, जो मैंने स्टार्टिंग जो इसको देखना स्टार्ट किया और एंड तक जो मैंने देखा, तो देखो यार मेरे फेस पे जो थी स्माइल थी, मैंने ये महसूस किया जो एक पूरे वीक का जो एक आपके ऊपर प्रेशर होता है, वर्क का जो प्रेशर होता है, या फिर और भी जो बहुत सारी टेंशन होती हैं, तो जब आप सिनेमा में जाते हो, मेरे हिसाब से जो बंदा जाता है सिनेमा से, वो सिनेमा के अंदर वो एंटरटेनिंग के तौर पे हंसने, ताकि वो रिलैक्स हो सके, जो उसको एक हफ्ते के अंदर जो स्ट्रेस मिला या फिर जो लड़ाई झगड़ा जो भी वट एवर जो उसकी लाइफ में जो हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, शायद और बाकियों के लिए तो चलो छोड़ छोड़ो उसका। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे जो यूट्यूबर मैंने देखे, जो बस इसकी बुराई करने पे लगे हैं, जो ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बहुत सारी मूवीज़ को एक साथ इकट्ठा कर लिया गया। देखो यार, अलग किया मतलब इकट्ठा किया, ठीक है, नो बिग डील, कि भी उसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ के वेलकम का, गोलमाल का, यहाँ इन मूवीज़ का आपको देखने के अंदर मिलता है ये सीन, सीन मतलब कुछ मिला जुला आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी आपको हंसाती नहीं है। मैंने कहा कि स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक मेरे चेहरे पे वो स्माइल थी, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो मूवी पसंद आई ना। तो ये जो बोल रहे हैं बहुत सारे जो लोग, हाँ मूवी अच्छी नहीं है, इसके अंदर ये फलाना है, ये इतनी ख़राब होगी, ये सबसे वर्स्ट मूवी गई, देखो यार उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मैंने जब मैंने रिव्यू करने स्टार्ट किए थे ना वीडियो के अपने जो चैनल के अंदर, तो मैंने एक बात बोली थी कि देखो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाइए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे तब आप मूवी देखेंगे तो अलग ही नज़रिया होगा, लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे किसी और का, तो अगर किसी और ने आपको बोल दिया है कि ये मूवी ख़राब है, तो आप वही नज़रिया आप मूवी को लेके देखेंगे, और भले ही वो मूवी अच्छी थी आपको वो ख़राब लगेगी। यही हुआ था शाहू के टाइम में, जब प्रभास की जो मूवी रिलीज़ हुई थी, तब बहुत सारे जो यूट्यूबर आए थे कह रहे थे ये बड़ी दिमाग ख़राब करने वाली मूवी है, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखो यार जिसके पास दिमाग होता है वो यूज़ करो, जिसके पास नहीं है वो घर पे ही रहा करो, यार मूवी देखते वक्त तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमेडी मूवी होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए कितना मुश्किल था एक छोटा सा एक चुटकुला लिखना भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाना, बहुत मुश्किल होता है सचमुच में, मैंने ये फील किया। तो ये जो मूवी है कम से कम मेरे फेस पे तो मुस्कान लाए ना यार, मुझे तो अच्छी लगी ना, मुझे कहीं ना कहीं रिलीफ मिला। तो मेरे मन में या मेरे दिल में तो कहीं पर इसके प्रति इतने कोई क्रिटिक्स नहीं है कि आप कहो कि मैं कहूँ कि इस मूवी में ये कमी है ये नहीं, यार मुझे मूवी पसंद आई। स्टार्टिंग से बात करो कि जैसे जो ये तीन जो दोस्त होते हैं, जिसमें जॉन इब्राहिम, राज किशोर जिसका दो नाम है, ऐसे ही राज किशोर पूरा नाम, तो इसके ऊपर साढ़े साथी जो चल रही होती है, यानी जो शनिदेव जो है वो इसके मतलब इसकी गोद में आके बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कुछ बोला गया था इसके अंदर। तो ये जो वो दिखाते हैं जो फनी जो सीन होते हैं, कैसे कैसे उनके हर बिजनेस में घाटा होता चला जाता है, फिर ये दो दो
अरशद वारसी जी और पुलकित सम्राट जो इसके साथ जॉन इब्राहिम जी के साथ जो रहते हैं, ये साथ मिलके कई कई बिजनेस प्लान करते हैं, कैसे कैसे उनको उसमें नुकसान होता है, ये बड़े ही फनी वे से दिखाने की बहुत कोशिश की है। और यकीन मानो यार, सब जो करेक्टर हैं सब ने अपने अपने, आपको मूवी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा सब ने बहुत मेहनत की है हंसाने के अंदर, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा की। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हर 5 मिनट में जो है वो गाड़ी उड़ रही है, यार जाके देख लो, 2 घंटे से भी ज़्यादा की मूवी है तो हर 5 मिनट के अंदर मूवी उड़ा मतलब गाड़ी उड़ा लो यार, ऐसा कहीं नहीं है यार 5 मिनट में गाड़ियाँ उड़ रही हैं यार, लॉजिकल चीज़ें बात किया करो एक तो। और दूसरी चीज़ जो एक देखो यार, जो कॉमेडी मूवी होती है ना, अब उसके अंदर कोई जो बंदा अगर लॉजिक ढूंढने जा रहा है कि हाँ इसके अंदर ये लॉजिक होना चाहिए था, ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, देखो यार लॉजिक से अगर हम चलेंगे तो हम हंस नहीं पाएंगे। जो ये कॉमेडी है, जो कॉमेडी मूवी होती है वो ब्रेनलेस ही होती है, मतलब कि आप इसको एक खुले दिमाग से देखो यार, कई ऐसी मूवीज नहीं होती कि आप अपना भरपूर दिमाग यूज़ करो वहाँ पे, नहीं यार ऐसे चिल हो गया आप वो मूवी देखो, क्योंकि ये वैसी है पागलपंती मूवी, तो पागलपंती ही करेंगे वहाँ पे, तो उसमें लॉजिकल लगाने की चीज़ें कि हाँ वो चीज़ वैसे कैसे होगी तो बहुत सी कमियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप हंसने के पर्पज से जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, हाँ आपको ये मूवी अच्छी लगेगी, आप इंजॉय करोगे इस मूवी को, आप हंसोगे, काफ़ी काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे जोक हैं। जो इसके अंदर मैं कहूँ तो सबसे उम्दा जो मुझे कॉमेडी टाइमिंग लगी वो अरशद वारसी जी की लगी, वो एक जो गोलमाल का सीन है, जैसे कि अजय देवगन जब वो एक सीन हो रहा होता है रेप का, जो अजय देवगन कहता है कि लड़की को इतनी माल तो ऐसा कुछ सीन है, तो वही इसके अंदर रिपीट किया गया जब अरशद वारसी कहते हैं उसी त्रोटला को इतनी होट, तो ऐसा कुछ सीन हंसी आई यार उसके ऊपर। यार ऐसा कुछ नहीं है कि आप पुराने जोक रिपीट नहीं करते हो तो पुराने जोक रिपीट करोगे तो उसमें अगर कुछ एक नया कुछ उसमें न्यू ह्यूमर डाल दोगे तो हाँ बेशक हंसी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा हंसी आई, लेकिन मेरे चेहरे पे तो स्माइल रही ना यार, मैं ऐसे सड़ा मुँह लेके तो नहीं बैठा रहा यार, मेरा सर कहाँ मैं कहाँ बैठ गया, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया। और दूसरी जैसे अलग मैं जैसे मूवीज का रिव्यू करता हूँ, हाँ उसमें मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं इस मूवी को देखने गया तो मैं फंस गया यार, ऐसे वेट करता रहा कब एंड होगा, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। हाँ मुझे मूवी लेंथी लगी, मुझे लगा कि हाँ इस मूवी की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसे कम कर देना चाहिए, बेशक मुझे लगी, जो कमी मुझे लगी वो बता रहा हूँ, और बहुत सारी कोशिश की गई है हमें हंसाने की। तो मेरे नज़रिए से तो आप मूवी देख सकते हैं, एक टाइम तो आप ज़रूर देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो मूवी आपको डिसअपॉइंट इतनी नहीं करेगी जो इसको इतना ज़्यादा क्रिटिक्स मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी को इतनी ज़्यादा क्रिटिक्स मिलनी चाहिए, हाँ अच्छी मूवी है, आप इंजॉय करेंगे, कोई ऐसा वैसा सीन भी नहीं है, काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। और जो इसके सॉन्ग हैं, एक तो बीमार मेरा दिल और एक माशाल्लाह ऐसा कुछ करके वो सॉन्ग है, दोनों सॉन्ग मुझे अच्छे लगे, दोनों को इंजॉय किया मैंने जो मूवी के अंदर आते हैं। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। हाँ मूवी अच्छी हो सकती थी, देखो यार वो प्लेयर हैं, वो बनाने वाले वो काफ़ी टाइम से मूवी बना रहे हैं, मेरी इतनी कोई मैं मतलब इतना ज्ञान नहीं है उनके बराबर कि मैं कहूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे इतना ही डायरेक्शन मेरे अंदर होता तो मैं वहाँ होता, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए वो मैंने बता दी कि मूवी ज़्यादा लेंथी थी, वो शायद थोड़ी कम हो सकती थी, शायद अच्छा लगता मुझे भी। और अब कहो कि ये कोई खरीदा हुआ, देखो यार खरीदे हुए कोई ऐसा चैनल तो है नहीं, सब्सक्राइबर देख सकते हो इतने, कोई ज़्यादा मेरे हाई फाई सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं कहूँ कि खरीदा हुआ, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे मूवी अच्छी लगी, मैंने आपके आपको इसकी रेटिंग भी दे दी। बस इतना ही था आज की वीडियो में, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो आप अपने भी पॉइंट ऑफ अपने पॉइंट नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।